नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदित्य कश्यप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शेपिंग माइंड्स टू मेक फ्यूचर रेडी में दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं और आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें हमारे वीडियोस का आनंद लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाएं मोर अपडेट्स के लिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि टू यूपीएससी आई एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अग्नि फोर मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फर्स्ट इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल Second, इट इज़ फ्यूल्ड by लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली थर्ड इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर warheads about अबाउट सेवन away. किलोमीटर अवे दोस्तों इस इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस वीडियो को देखते रहें क्वेश्चन को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे इसका आंसर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1983 में स्टार्ट किया गया था इसके अंदर डॉक्टर कलाम की काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट पे काम किया था जो कि एक काफ़ी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट थे जिन्होंने आगे जाके पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स की नींव रखी इंडिया की पहली मिसाइल जो बनी थी वह थी पृथ्वी मिसाइल जिसके आज तीन वेरियंट हैं दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं द बेलिस्टिक मिसाइल इज टारगेटेड एज ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सिंगल लॉन्च फोर्स विद नॉट मच एडेड गाइडेंस इट इज लॉन्च डायरेक्टली इन टू द हाई लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर बेलिस्टिक मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल की तरह फेंकी जाती है और इसका कोई गाइडेंस मैकेनिज्म नहीं होता है इसको डायरेक्टली एटमोस्फेयर की हाई लेयर्स में फेंका जाता है इट ट्रेवल्स वेल आउटसाइड द एटमोस्फेयर एंड दन दॉर है पाथ ऑफ ए बॉल थ्रोन अब बर्ड विच फॉल्स डाउन सेंस इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी टू रीच इट्स टारगेट इट्स कॉल्ड एंड बेलिस्टिक मिसाइल दोस्तों यह एटमोसफियर से काफ़ी ऊपर फेंकी जाती है और वॉरहेड से डिटैच होती है और अर्थ पे फ्री फॉल होती है जैसे कि एक बॉल को फेंका जाता है और वह नीचे गिरती है यह ग्रेविटी डिपेंडेंट है इसलिए इसको बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल डेट फ्लाई अब द एटमोस्फेयर हैवे मच लॉन्गर रेंज

विद टर्मिनल स्पीड्स ऑफ ओवर 5000 मीटर पर सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल आर मच हार्डर टू इंटरसेप्ट देन क्रूज मिसाइल्स ड्यू टू मच शॉर्ट टाइम अवेलेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स आर सम ऑफ द मोस्ट फियर्ड वेपन्स अवेलेबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट क्रूज मिसाइल्स आर चीपर मोर मोबील एंड मोर वजेटाइल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज फाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक जाती है जिसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है जिसके कारण यह क्रूज मिसाइल से काफ़ी एडवांटेजियस है बैलिस्टिक मिसाइल एक मोस्ट फीयर्ड वेपन्स अवेलेबल है इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं और इंडिया ने ही बनाई हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड है विद अदर कंट्रीज हेल्प अग्नि पृथ्वी धनुष शौर्य प्रहार और सगारिका दोस्तों हम जानते हैं अग्नि के फाइव वर्जनस हैं और सिक्स वर्जन अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं अग्नि फोर की रेंज थ्री थाउजेंड से फोर थाउजेंड किलोमीटर है और अग्नि फाइव की रेंज फाइव थाउजेंड से एट थाउजेंड किलोमीटर है अग्नि के सारे वर्जन सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज करते हैं और दोस्तों यह इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं अग्नि फोर फाइव और जो अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में है दोस्तों पृथ्वी के थ्री वेरिएंट हैं पृथ्वी वन पृथ्वी टू और पृथ्वी थ्री पृथ्वी वन को रिप्लेस करने वाला है प्रहार मिसाइल सिस्टम और पृथ्वी थ्री को रिप्लेस करता है धनुष मिसाइल सिस्टम जो कि नेवी वर्जन है दोस्तों सगारी का एक सबमरीन लॉन्च मिसाइल है जो कि के फिफ्टीन मॉडल से जानी जाती है के सीरीज के सारे वर्जन सबमरीन लॉन्च हैं जैसे के फोर के फाइव और के सिक्स अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में है शौर्य मिसाइल एक हाइब्रिड मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है जानते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में एक क्रूज मिसाइल लोकेट्स इट टारगेट और हैज ए प्रीज टारगेट एंड नेविगेट्स देयर गाइडेंस सिस्टम पेलोड एंड एयरक्राफ्ट सिस्टम हाउसाइज बाई गाइडेंस वेदर इनर्शियल और बियॉन्ड विजुअल रेंज सेटेलाइट जीपीएस गाइडेंस दोस्तों एक क्रूज मिसाइल अपने टारगेट को लोकेट करता है इसमें टारगेट की वैल्यू प्रीसेट की जाती है और यह मिसाइल वहां नेविगेट करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स गाइडेंस सिस्टम जो की जीपीएस गाइडेड भी हो सकता है और इंफ्रारेड गाइडेंस भी होता है दे आर नॉन स्पेसिफिकली फॉर द लो लेवल क्लोज टू कैरी लार्ज पे लोड विदिजन द की इज डेट मिसाइल इज गाइडेड एंटायरली टू द टारगेट अंडर इट्स ओन पावर क्रूज मिसाइल कैन बी करेक्टराइज बाई वेदर लॉन्च फ्रॉम लैंड एयर सरफेस शिप और सबमरीन दोस्तों क्रूज़ मिसाइल काफ़ी हाई प्रोजिजन मिसाइल होती हैं क्योंकि इसमें टारगेट की वैल्यू को दिया जा सकता है यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं है यह मूविंग ऑब्जेक्ट को भी इंटरसेप्ट करके टारगेट पे लॉन्च हो सकती हैं और यह सरफेस के काफ़ी हॉरिजॉन्टली रहती हैं जिसको हम स्कीमिंग कहते हैं जिसको रडार पे डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्रूज़ मिसाइल की कैटेगराइजेशन उसकी साइड स्पीड और रेंज पे होती है इसके अंदर सबसोनिक हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक कैटेगरीज भी आती हैं जानते हैं इंडियन क्रूज मिसाइल के बारे में है ब्रह्मोस निर्भय और शौर्य मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का कोलेब्रेशन है इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्कोवा रिवर से इसका नाम पड़ा है निर्भय मिसाइल की रेंज थाउजेंड से फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर है जो कि काफी डेडली मिसाइल है जो इंडिया ने क्रिएट की है और शौर्य मिसाइल जैसा कि हमने बताया सगारिका मिसाइल का ही एक लैंड वर्जन कहा जा सकता है जो कि एक हाइब्रिड मिसाइल है दोस्तों जानते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन का आंसर है ए वन ओनली डेट इज इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल जैसा कि हमने डिस्कस किया था अग्नि के सारे वर्जन सॉलिड प्रोपलेंट को यूज करते हैं और अग्नि फोर की जो रेंज है वह फोर थाउजेंड से फाइव थाउजेंड किलोमीटर के बीच है तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारे नल लैंड वॉइड है और आंसर है इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल दोस्तों इंडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट किया है जो कि है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर पैदमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर और सेकंड वर्जन जो है वह है एडवांस एयर डिफेंस और अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर यह इंडिया ने 2006 और 2007 में ही अचीव कर लिया था और इंडिया ऐसा करने वाला फोर्थ कंट्री बन चुका है आफ्टर यूएस रशिया एंड इसराइल दोस्तों इंडिया एस फोर हंड्रेड इंटरसेप्टर भी खरीद रहा है रशिया से जो कि इंडिया की काफ़ी आर्म्स में मदद करेगा तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें अगर आप नए यूज़र हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और मैकेनिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज भी स्टार्टेड है आप देख सकते हैं उन वीडियोज को और वीडियोज का आनंद लें धन्यवाद